फार्म सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, जय हमारे फार्म की गायें और जय हमारी सोफिया। तो जय हर रोज ही क्या करती है, पाइप को खोल के जहाँ से पानी पीती है अपने आप जो है वाल खोल लेती है और जहाँ से पानी पीती है, और दूसरी गाय को बिल्कुल भी इसके पास नहीं आने देती, दूर भगाती है कि कोई भी इधर नहीं आए। तो मैं इसको अभी बंद करने वाली हूँ, तो फिर से जे इसको खोलने आएगी। देखना, अभी खोलेगी, फिर से खोलेगी। किसी को आने नहीं दे रही है यहाँ पे, कोई इधर आएगी नहीं। जो गाय है इस 70 तरह की जो कमांड है वो ये देखो, उसने पूरा खोल लिया और पानी पीना शुरू कर दिया है। तो जो गाय है ना, सच में पता चल गया है कि जे 70 तरह की जो कमांड है वो याद रखती है, अपना नाम समझ, किस रास्ते उसने आना है, किस रास्ते जाना है, कहाँ ठहरना है, कौन से रास्ते से होके पानी पीना है, कितना डिस्टेंस के नीचे उसने उतरना है और कितने डिस्टेंस के ऊपर उसने जो बेड बनाए होते हैं ना, अपना माइंड सेट कर लेती है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर मुझे पांव रख के ऊपर जाना है, कौन सी ढलान पे मुझे नर धीरे धीरे चलना है। जैसे हमारे पार्लर के जाने का रास्ता थोड़ा ऊपर की तरफ ऊपर को चाहता है, तो जे बहुत धीरे धीरे पांव रख के आगे चलती है, और उधरली साइड से नीचे को आता है तो बहुत आराम से अपनी चाल को बदल के धीरे धीरे नीचे को आती है, और प्लेन जगह में बिल्कुल फिर ठुमक ठुमक के चलती है। तो किसी को भी अपने पास से आने नहीं दे रही। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये फिर खोल लेती है पाइप के नल को। तो जहाँ वाल लगा हुआ है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ फिर से। अब बंद कर दिया हूँ मैं। जो दूसरा यहाँ से पानी पीने चाह रही है उसको नहीं आने दे रही है, तो फिर से आएगी, खुद खोलेगी उसको। और शुरू हो गया पानी आना। तो गायें हैं, इनकी याददाश्त भी होती है, याद रख लेती है अपना पूरे बेड को, याद रखती है कि कौन से बेड पे मुझे बैठना है, किधर को जाके मुझे पानी पीना है, कौन किधर के रास्ते मुझे घूम के वापस पट्ठा पे आना है अपना खुरली पे। तो ये सभी जो है, इनके पास भी जो है 70 कमांड समझने की जो क्षमता है, तो उसको भगा रही है कि तू इधर नहीं आएगी। अब दूसरी आई है तो उसको भी भगाएगी कि तू भी इधर से पानी नहीं पीना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सोफिया, पानी वेस्ट हो रहा, तो इसको लगता है बहुत ही टेस्टी पानी। तो ये जितनी देर ऊपर नहीं, हम इसको खुद ऊपर नहीं करेंगे, उतनी देर छोड़ेगी नहीं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो उधर से जो गाय आ रही है पूरी ठुमक आराम से हल्के से आ रही है, तो जब एरिया जो पदरा आ जाता है बिल्कुल समतल, तो वहां जो गाय की चाल है बदल जाती है और तेज चलना शुरू हो जाती है।
तो क्यूबिकल में भी जब गायें ऊपर पांव उठाती है तो माइंड सेट कर लेती है, और जब बैक आती है तो पूरा माइंड सेट करके ही उतरती है कि कहीं मेरा पांव ज्यादा नीचे नहीं गिरे। तो इनके बहुत शरारती है जी हमारी सोफिया, और जे दूध भी बहुत अच्छा देती है 50 लीटर प्लस। तो इनकी मिल्किंग हो गई है, तो जे पार्लर से बाहर आ रही है, तो अपना पांव बिल्कुल देखो सटका सटका के आ रही है कि जहाँ से ढलान वाली जगह है। तो मैं इधर आई हूँ बछड़ियों की तरफ, मेरी एक बछड़ी आज पतला गोबर कर रही है और बहुत सुस्त सी बैठी है, तो उसको मैं चेक करूँगी क्या प्रॉब्लम है उसको, कहीं फीवर वगैरह तो नहीं है। और ये देखिए गोबर भी इसने बहुत पतला किया है, तो मैं अभी चेक करने वाली हूँ मेरी बछड़ी। जे देखिए बहुत ही पतला गोबर कर दिया है बेली तूने। तो इसका मैं ट्रीटमेंट करूंगी, इसको मैं दूंगी बायोट्रिम का इंजेक्शन और साथ में लगाऊंगी एनरोफ्लॉक्सासिन। बायोट्रिम मैं इसको 3 ml लगाऊंगी और इसकी जो पतली पोटियां हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फीवर वगैरह भी मैं इसका चेक कर लेती हूँ। तो जे शरारती गर्ल मेरे को कर रही है पूरी तंग। इधर पी रही है हमारी छोटी बछड़ियां दूध, और ये जो पैन है इसमें सभी जो बछड़ियां हैं 25 से लेके 30 दिन वाली है। और ये साइड में जो है ये 1 महीने से ऊपर वाली है सभी, तो जो 3 महीने से ऊपर वाली बछड़ी है वो चली गई है अब नए शेड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जे बायोट्रिम इंजेक्शन, जब छोटे बच्चे को पोटियां वगैरह लग जाती हैं ऐसे पतला गोबर करती हैं दूध जैसे ही बाहर आ जाता है, तो जे इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है बछड़ियों के ट्रीटमेंट के लिए। 3 ml इंजेक्शन ही इसको लगाऊंगी, और साथ में मैं इसके पेट में जो इन्फेक्शन वगैरह होगी उसके लिए जे मैं इसको 7 ml इंजेक्शन दूंगी, और अगर फीवर होगा तो न्यू प्रोफन का भी मैं 7 ml इंजेक्शन दूंगी इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।